स्टेशन पर 1 मेगावाट बिजली सोलर का आज उद्घाटन किया है और इससे रेलवे को जो बिजली का बिल पे करना पड़ता था उस पर से निजात मिल गई है और हर दृष्टि से ये कामयाब होगा, लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आज 2-3 प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट का भी आज शुरू बिजनेस हुआ है। एक एक्सलेटर का जो सेकंड एंट्री पर एक्सलेटर की बहुत कमी थी, वो एक्सलेटर बनकर भी आज उसका शुभारंभ हो गया, यात्रियों को उसकी सुविधा मिलेगी। साथ में जिसका रैंप उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है उसको रैंप में कन्वर्ट करके उसको काम करेंगे, जिससे वृद्ध लोगों को आने जाने में एक सुविधा होगी। और यहाँ पर IRTC के माध्यम से लोगों के लिए पे करें और अपना सामान भी रख सकते हैं, वहाँ पर नहा धो भी सकते हैं और वहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं। 3 घंटे के लिए 500 रुपये का भी एग्जीक्यूटिव क्लास का है और 190 रुपये में वो जनरल का जो भी रखना चाहे तो वो IRCTC के माध्यम से है। हर दृष्टि से रेलवे में आज लगभग 7 करोड़ के कामों का आज उद्घाटन करके जनता को सपोर्ट करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 65 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो पिछले 4.5 साल में रेलवे डिपार्टमेंट जयपुर रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो गांधीनगर हो, गांधीनगर में भी हम एक्सलेटर 2 एक्सलेटर का प्रोविज़न किया है और जल्दी ही वहाँ भी एक्सलेटर कब तक लग जाएंगे, दिसंबर तक वो दोनों एक्सलेटर लग जाएंगे, तो वहाँ की जनता को आने जाने में सुविधा होगी। FOB हमने वहाँ पर बना दिया, ऐसे ही सांगर में भी FOB बना दिया। हर दृष्टि चाहे वो विकलांगों के लिए स्वच्छता कार्य के लिए सुविधा क्षेत्र की बात हो, यहाँ भी विकलांगों के लिए हर प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म पे हमने यहाँ पर बनाया है और विशेषकर फर्स्ट एक जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म है इस पर विकलांगों के लिए रहने करने ठहरने के लिए बाथरूम वगैरह के लिए हर 10 विकलांगों किया है। सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए 40 लाख रुपये की लागत से हमने यहाँ पर रिटायरिंग रूम बनाया है ताकि वो आराम से यहाँ पर रह सके। बेबी फूड फूडिंग के लिए महिलाओं के लिए वो एक सुविधा अलग से बना के रूम बनाकर हमने उनका उद्घाटन तो पहले ही हो चुका है जो पहले से आमने पे जो आज कल लगभग 7 करोड़ के कामों का उद्घाटन हुआ है, जिसमें सेकंड गेट जो है एंट्री पर एक्सलेटर का, 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर उसका लिफ्ट का आज प्रोजेक्ट किया गया है और इसमें जिस तरह का जो बाहर स्वच्छता का स्वच्छता ही सेवा है, माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक हम ये मना रहे हैं, इस पर भी आज हमने